नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक KBS PRT रिजल्ट 2023। तो आपका जो KBS का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा और इसके इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे, इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन सक्सेस आते रहते हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपके आंसर्स भी देता रहता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस चीज के आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आने वाला है और आपके जो इंटरव्यू हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे इसके बारे में भी बात करूंगा। आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है, उसके बाद आपके लिए संग्रह करके इस इन्फॉर्मेशन को आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस पर पूर्ण तरीके से यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 99%। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ये मेरी आप रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। आप इसको जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास यूट्यूब इसको भेज देता है और उन्हें उन लोगों को भी इससे लाभ होता है और हमसे भी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे जुड़ पाते हैं, जिनको आगे आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट देता रहूंगा, आपको भी देता रहूंगा। तो आप जरूर से इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आपको हर एक पॉइंट से रूबरू कराते हैं और आपको डिटेल में सब चीज को समझाते हैं, तो आप अंत तक रहिएगा ताकि आपको मैं हर एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बता सकूंगा आपको, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए हैं जो आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहला जो सबसे बड़ा रीजन था इसका BED BTC का जो कोर्ट केस था जिसका आपका जो आदेश था वो 11 अगस्त को आपका आ चुका था, यानी 11 अगस्त 2023 को इसका जो कोर्ट का आदेश था वो आपका आ चुका था सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो बेंच लगी हुई थी उसने आदेश दिया था कि जो जोधपुर हाई कोर्ट में आदेश दिया था जिसको यहाँ चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया था और 28 जून 2018 का जो गजट NCT ने बनाया था उस पूरे गजट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये कैंसिल पूरा गजट कर दिया गया था और प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो वही जो यहाँ पे जोधपुर हाई कोर्ट ने करा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मोहर लगा दी 11/8/2023 को। तो ये 11 अगस्त को ये क्लियर कंफर्म हो गया कि बीएड है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी, उससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हो NCT की गाइडलाइंस को लेकर के यहाँ पे वेट किया जा रहा है KBS के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा NCT की गाइडलाइंस को लेकर के यहाँ पे ये सब कुछ बवाल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। वैसे तो 1 महीने हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जैसे कि आपको पता है 11 अगस्त को आया था रिजल्ट, यानी 11 अगस्त को आपका जो ऑर्डर था वो आया हुआ था। और आज आप अगर देखेंगे तो आपका आज डेट हो गया कितना, आज हो गया आपका 11 सेप्टेम्बर, तो 11 सेप्टेम्बर 2023 हो गया है, यानी कि 1 महीना आपको पूरा होने जा रहा है जब तक अभी तक NCT ने यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं करी है इस नोटिस के रिगार्डिंग। परंतु एक NCT ने जरूर काम किया हुआ है कि NCT ने जो 11 अगस्त 2018 का जो आपका ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से इसको अपनी वेबसाइट पर जरूर से अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वहां से कुछ क्लियरेंस तो जरूर मिलता है, परंतु इन्हें अपनी जो गाइडेंस है उन्हें आपको जो गाइडलाइंस है उनको जरूर से जारी करना होगा, ठीक है। लेकिन यह सुस्त निकम्मी संस्थाएं हल्ले डुलने का काम नहीं करती, ये तैयार नहीं है, ये कोई काम सही से ढंग से नहीं करती हैं। आप जानते हो अगर इन्होंने सही से ढंग से काम किया होता तो इनका जो 28 जून 2018 का गजट था वो क्यों कैंसिल हो जाता, ठीक है। अभी ये दिशा निर्देश पर भी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये सही से अपने दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। तो ये जो आपका इनका गजट कैंसिल हुआ ये इसीलिए गजट कैंसिल हुआ क्योंकि इन्होंने सही तरीके से इस गजट को नहीं बनाया हुआ था, इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई थी, ठीक है। अगर इन्होंने कमेटी बनाई होती सही तरीके से इन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करा होता तो ये जो आज बीएड वाले कैंडिडेट्स आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप भाग नहीं ले सकते हैं, उनके दर्द को आप बयां नहीं कर सकते हो, कितना दर्द है उनको इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि आप बताइए 2018 से जिस पर्सन ने 2018 से अपनी पढ़ाई को चालू करा था और 2023 में आकर के उसको ये पता चलता है कि हम बीएड वाले जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टीचर नहीं बन सकते, यानी पूरा 5 साल खराब हो गया। किसकी वजह से, इस NCT की वजह से ये सब कुछ खराब हुआ, क्योंकि NCT अगर सही तरीके से नियम बनाती तो आज इनको ये दर्द नहीं झेलना पड़ता, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, खैर आप देखेंगे
अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते ही कुछ भला होगा। और अगले हफ्ते क्या होगा, यहाँ पे जो एनसीटी है जो आपके दिशा निर्देश जारी कर देगी और फिर केवीएस वाले यहाँ पर अपनी प्रोसेस को अपनाएंगे, यानी केवीएस वाले क्या करेंगे, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे और पॉइंट्स आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बीएड बीटीसी कोर्ट केस केवीएस पीआरटी रिजल्ट। तो बीएड बीटीसी का जो कोर्ट केस है उसमें जो पीआरटी का रिजल्ट लटका हुआ है उसके लिए कुछ संभावना है, क्या संभावनाएं बनी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो रिजल्ट है वो बीएड को बाहर रखते हुए ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा और बीएड को इसमें बाहर ही रखा जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे कंफर्म हो जाइए, इस चीज के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। रिजल्ट से पहले एक नोटिस आएगा जिसमें बीएड को शामिल नहीं रखने की बात कही जाएगी, ये ऐसा यहाँ पे नोटिस देखने के लिए आपको मिलेगा जिसमें बीएड को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। ये रिजल्ट से पहले आपका एक नोटिस केबीएस की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो इंटरव्यू इसी महीने के आखिरी में आपके शुरू होने के अनुमान है, तो पूर्ण तरीके से आप इसके लिए अपने तैयार हो जाइए कि इंटरव्यू जो है वो आपके इसी महीने के लास्ट में आपके स्टार्ट हो सकते हैं, तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए। सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट आपके यहाँ पे सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप एनसीईआरटी की जितने भी आपके मतलब बुक्स हैं जो तो 1 से लेके 5 तक वाली जो बुक्स हैं उनको तो आप जरूर से रेट लीजिएगा। ठीक है, उनके सभी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में एनसीईआरटी से बहुत कुछ पूछा जाएगा, लूसेंट जीके से भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे आप यहाँ पे देखेंगे केवी के सभी रीजनल ऑफिसर्स ऑफिसर्स को लेटर्स पहुंच गया है, तो यहाँ पे जो केवीएस के जो केवी के आपके जितने भी रीजनल ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पे लेटर पहुंचा है जिसमें प्रिंसिपल को इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया है, अवेलेबल रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो जो प्रिंसिपल होंगे केबीएस के जो भी आपके रीजनल ऑफिसर्स होते हैं वहां पर जो प्रिंसिपल होते हैं वही आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, वही आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने आपको एक वीडियो में समराइज कर दिया, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन से रूबरू करा दिया। आपका डाउट अब आपका कर्तव्य रहता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो आप इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू।